हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम ऑर्गेनिक फसलें कैसे उगा सकते हैं। हाँ, आप अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं, जैसे कि मैं उगा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ में ये एक बैंगन है, जो फ्रेंड्स ये सूखा हुआ बैंगन है। हमें इस बैंगन का बस ये जो आपको दिख रहा है ना, अंदर छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे हमें बीज चाहिए, जिससे कि हम इससे एक छोटा सा पौधा निकालेंगे इसके अंदर से, जिससे कि हमारा बैंगन बनेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस सूखे से बैंगन से हम एक छोटे छोटे पौधे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और फ्रेंड्स चलते चलते सब्सक्राइब भी कर दे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि मैंने वो जो सूखे हुए बैंगनों में से सारे जो छोटे छोटे अंकुरित जो बीज थे ना फ्रेंड्स, वो मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। इतने सारे बीज हुए फ्रेंड्स, उसके अंदर से इतने सारे मतलब पौधे निकल सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमें क्या करना है इन बीजों के साथ। तो आपको दिख रहा होगा ये कम से कम बहुत सारे बीज है, तो हमने इसको सीख से साफ कर लिया है फ्रेंड्स, पानी से नहीं फ्रेंड्स, अपने हाथों से ही साफ कर लिया इसको मैंने पूरा। तो आपको दिख रहा होगा ये बीज। अब इस बीज को हम आप जो छोटे छोटे जो टॉब होते हैं, टब होते हैं फ्रेंड, आप उसमें भी लगा सकते हैं, या तो गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं तो इसको अपने खेतों में लगाने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा होगा ये पूरा। अब इस चलो स्टार्ट करते हैं इसको लगाने का जो प्रोसेस है, मैं आपको पूरा बताऊंगा फ्रेंड्स इसका प्रोसेस कैसा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक खुरपी या तो फिर फ्रेंड्स आप जो बंगाली में इसको बोलते हैं कुदाल। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, मैंने ये जो मेरे जो छोटे से मैंने एरिया को मैंने इस टूल की सहायता से फ्रेंड्स मैंने ये इसको हल्का सा कुरेद दिया है मट्टी को। जी फ्रेंड्स, इस जो कुरेदने का मतलब ये है कि इस जो बीज है ना फ्रेंड्स, ये बीज मट्टी के 1-2 सेंटीमीटर तक अंदर रहे, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने हल्का सा इसको कुरेद दिया है ताकि मैं इसके ऊपर जो बीजों को ना छिड़काव कर सकूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा मैंने छोटी सी जगह में इतने सारे को बीज को मैं दूंगा, क्योंकि मुझे अभी इसमें से अंकुर निकालना है फ्रेंड्स। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं छोटी सी जगह में अपने सारे बीजों को बिखेर दूँ। और फ्रेंड्स, आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि ये हल्की हल्की मिट्टी नमी है, तो मुझे इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा ये जो जो बीज है, अब मैं इसको छिड़काव करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद हमें क्या करना है। अगर आपका जो ज़मीन है वो थोड़ी सूखी है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं, हल्का सा पानी फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। एक मैं आपको बताऊंगा पानी भी कैसे डालना है फ्रेंड्स। ज़्यादा अगर आप पानी डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो जो आपका बीज है ना फ्रेंड्स, वो सड़ जाएंगे अंदर ही। तो फ्रेंड्स, कम पानी डालना है और इसको ज़्यादा अंदर नहीं करना मट्टी के। अगर आप ज़्यादा अंदर करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसको ये ऊपर से जो सूरज की गर्मी है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको देख रहा होगा मैंने थोड़ा थोड़ा करके बीज लिया, इसको चारों तरफ मुझे इसको फैलाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये मैं थोड़े थोड़े करके ये सारी जगह फैला रहा हूँ ये बीजों को, ताकि एक जगह ना गिरे ये सारे बीज है, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी ज़्यादा जगह मैं इसको छिड़काव करूँगा ना फ्रेंड्स, पौधे निकलने की जो संभावना है फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स इसको कैसे करना, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी बीज थे ना फ्रेंड्स, मैंने वो सारे फ्रेंड सारे बीजों को धीरे धीरे बिखेर दिया है ये इतनी जगह में। जो आपको दिख रहा होगा ये सारे बीज मैंने बिखेर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड क्या करना है, जो हमें ना हल्के हाथों से ये जो सारी जगहों को ना फ्रेंड्स, ये सारी जगह को हमें ढक देना भी उन बीजों को हल्के हल्के हाथों से। ये जो पूरी जगह है ना फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये पूरी जगह, इसे हमें अपने हल्के हाथों से ये पूरी जगह को ऐसे ऐसे करके बीजों को इसके अंदर गिरा देना है, ढक देना है ऐसे करके हल्का हल्का करके, जिससे कि जो हमारे जो बीज है ना वो मिट्टी के अंदर रहे, बाहर ना रहे। जो सूरज की गर्मी ऊपर से उनको मिलती रहे हल्की हल्की, और नीचे से जो मिट्टी का जो जो नमी है ना फ्रेंड्स, वो भी बीजों को मिलता रहे, जिससे कि जो हमारा पौधा है ना, जो हमारा जो बीज है फ्रेंड्स, वो पौधे में अंकुरित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। और आपको लगता है कि आपकी जो मिट्टी है वो सूखी है, तो फ्रेंड्स इसमें आप हल्का हल्का करके हल्का हल्का करके अपने हाथों से पानी भी इसमें बिखेर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको दिख रहा होगा ये मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, ऊपर जितनी भी भुरभुरी जो है इनको मैं थोड़ा करके तोड़ देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इतना तो अब रेडी हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सूखी सूखी लग रही है फ्रेंड्स, तो आप इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे पानी देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हल्के हल्के हाथों से इसमें पानी देना है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे पानी भी कैसे डालना है। तो फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा जग में पानी लेके आ गया आपको दिखाने के लिए, इसके ऊपर हल्का हल्का पानी कैसे छिड़काव करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा कैसे पानी इसमें देना है। आप चाहें तो इसमें डेली ऐसे करके हल्का हल्का थोड़ा पानी दे सकते हैं इसके अंदर। ज़्यादा पानी देंगे तो फ्रेंड्स जो नीचे जो बीज है ना फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स सड़ने के चांसेस हो जाएंगे इसमें। इसमें हल्का सा हल्का थोड़ा पानी दें ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे भी अच्छे मैंने पौधे लगा रखे हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं बैंगन का पौधा पहली बार लगा रहा हूँ फ्रेंड्स। और आपको अगर खरपतवार दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे जो घासें हैं अगर आपको दिख रहे हैं, तो उसे आप साफ़ भी कर लें, ठीक है। इससे आपकी ज़मीन भी थोड़ी साफ़ रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कैसे लगाया है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे हल्का सा पम्पकिन का पौधा भी ठीक ऐसे ही लगाया था फ्रेंड्स। ये जो मेरे साइड में ये देखे फ्रेंड्स, ये दो पौधे निकल रहे हैं अभी पम्पकिन के, क्योंकि मैंने इसमें दो ही बीज लगाए थे।
ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए दो ही पम्पकिन के पौधे निकले हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये अभी तो ये 3 4 दिन में ही इतने बड़े हो गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, और मैं आपको इसकी भी आगे भी वीडियो दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आगे क्या हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।